हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस हम सीखेंगे, जैसे नीड नॉट का यूज़, हैड बेटर का यूज़, लेट का यूज़, लेट्स का यूज़ और भी बहुत सारे सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज़ हम देखेंगे नीड नॉट का। नीड नॉट एक सेमी मॉडल है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि नीड सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉडल जिनका यूज़ हम टेंस में भी करते हैं, इज अ वर्ब, और जिसको हम मॉडल फॉर्म में भी करते हैं। ओके, तो ये सेमी मॉडल है जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है नीड नॉट की? ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इसका यूज़ डायरेक्टली आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, देन ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। ओके, एग्जांपल देखिए, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट कम हेयर। तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट कम हेयर। तुम्हें अपना समय मेरे लिए बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपना समय मेरे लिए बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे लिए अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट, बर्बाद करना, वेस्ट, समय, द टाइम, मेरे लिए, फॉर मी। सो यू नीड नॉट, अपना समय है तो यहाँ योर टाइम लिखेंगे, यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर मी। You need not waste your time for me. तुम्हें अपना समय मेरे लिए बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, You need not get angry. You need not get angry. तुम्हें मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, You need not argue with me. You need not argue with me. तुम्हें मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, You need not argue with me. उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसे के लिए किसके यूज़ करेंगे? ही, ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट, वरी, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ही नीड नॉट वरी। उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत
नहीं है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट पैनिक या फिर ही नीड नॉट गेट नर्वस, ही नीड नॉट पैनिक या फिर बोल सकते हैं ही नीड नॉट गेट नर्वस। सो फ्रेंड्स, इस तरह नीड नॉट का यूज़ करते हैं। देखिए, प्रेजेंट में हमने यूज़ किया था नीड का, जब उसका नेगेटिव बनाते हैं तो डोंट नीड या फिर डजेंट नीड आता है। जैसे मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड वाटर। तो यहाँ हम जब टेंस में यूज़ करेंगे तो नेगेटिव के लिए डोंट या डजेंट का यूज़ करेंगे, बट जब हम नीड नॉट का यूज़, नीड का यूज़ एज अ मॉडल यूज़ करेंगे तो इसका सेमी मॉडल ये कहलाएगा, और जिसके साथ हमेशा नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट कम हेयर, और इसी को अगर आप टेंस के थ्रू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू डोंट नीड टू कम हेयर। तुम्हें अपना समय मेरे लिए बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर मी। तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर मी। तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट गेट एंग्री। तुम्हें मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट आर्ग्यू विथ मी। उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ही नीड नॉट वरी। उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ही नीड नॉट पैनिक या ही नीड नॉट गेट नर्वस। तो आप ज़रूरत नहीं है, जब भी सेंटेंस में आपको देखने को मिले तो आपको नीड नॉट का यूज़ करना है, और नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम हैड बेटर का यूज़ देखेंगे, किस तरह से हैड बेटर का यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस के अंत में अच्छा होगा या बेहतर होगा आए, या शुरुआत में भी आपको देखने को मिलेगा अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, बेहतर होगा तुम मेरा कहना मानो, बेहतर होगा तुम समय पर आओ। तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे तो वहाँ किसका यूज़ करेंगे, हैड बेटर का यूज़ करेंगे। और हैड बेटर के नेगेटिव भी सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे बेहतर होगा तुम चोरी ना करो, तो ये ना वर्ड से पता चलता है कि सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो हम आपको दोनों सेंटेंसेस ही बता रहे हैं। चलिए तो आप नोट कीजिए, हैड बेटर। Had better. One second. Had better. इसकी पहचान क्या होगी, आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, अच्छा होगा बेहतर होगा, अच्छा होगा बेहतर होगा। अच्छा होगा या फिर आपको देखने को मिलेगा बेहतर होगा। ओके, रूल आपको फॉलो करना है, सब्जेक्ट लेना है, देन हैड बेटर का यूज करना है, और हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और बाकी चीज़ें आपको पता ही है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। ओके, सेंटेंसेस इस तरह आपको देखने को मिलेंगे, बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ, बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ, या फिर हम कह सकते हैं तुम्हारा यहाँ से जाना बेहतर होगा। हम सेंटेंसेस दो तरह से बना सकते हैं, पहला तो बोल सकते हैं बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, या फिर हम बोल सकते हैं तुम्हारे लिए यहाँ से जाना बेहतर होगा। तो यहाँ सेंटेंस के शुरू में आए या अंत में आए, यूज़ तो हमें हैड बेटर का ही करना है, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पास, यू है, तो यू हैड बेटर जाना, गो यहाँ से, फ्रॉम हियर, सो यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ। अच्छा होगा तुम समय पर स्कूल जाओ, अच्छा होगा तुम समय पर स्कूल जाओ, यू हैड बेटर गो टू स्कूल समय पर, ऑन टाइम, यू हैड बेटर गो टू स्कूल ऑन टाइम। बेहतर होगा तुम अपने माता पिता का ख्याल रखो, बेहतर होगा तुम अपने माता पिता का ख्याल रखो, यू हैड बेटर ख्याल रखना, लुक आफ्टर अपने माता पिता का, योर पेरेंट्स, यू हैड बेटर लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। तो आप देख रहे होंगे इन सभी जगह हम हैड बेटर का यूज किया, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए। अब नेगेटिव देख लेते हैं, जैसे बेहतर होगा तुम मेरा पीछा ना करो, बेहतर होगा तुम मेरा पीछा ना करो, बेहतर होगा तुम मेरा पीछा ना करो, यू हैड बेटर नॉट फॉलो मी। बस आपको ध्यान ये रखना है
कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैड बेटर के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, हैड के बाद नहीं कर देंगे, कि जैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते थे हैड का हैडेंट, ऐसे नहीं करना है यहाँ, आपको नॉट हैड बेटर के बाद यूज़ करना है। तो बेहतर होगा तुम मेरा पीछा ना करो, यू हैड बेटर नॉट फॉलो मी, बेहतर होगा तुम यहाँ धूम्रपान ना करो, बेहतर होगा तुम यहाँ धूम्रपान ना करो, यू हैड बेटर नॉट स्मोक हियर, यू हैड बेटर नॉट स्मोक हियर, बेहतर होगा तुम यहाँ धूम्रपान ना करो। बेहतर होगा तुम हिंदी ना बोलो, बेहतर होगा तुम हिंदी ना बोलो, यू हैड बेटर नॉट स्पीक हिंदी, तो आपको ध्यान बस यही रखना है कि जब जब नेगेटिव बनाएंगे तो हैड बेटर के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, ओके। और हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको ध्यान रखना है हैड बेटर की हिंदी क्या होती है, अच्छा होगा या बेहतर होगा, एक बार फिर से समझिए, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, अच्छा होगा तुम समय पर स्कूल जाओ, यू हैड बेटर गो टू स्कूल ऑन टाइम, बेहतर होगा तुम अपने माता पिता का ख्याल रखो, यू हैड बेटर लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, बेहतर होगा तुम मेरा पीछा ना करो, यू हैड बेटर नॉट फॉलो मी, बेहतर होगा तुम यहाँ धूम्रपान ना करो, यू हैड बेटर नॉट स्मोक हियर, बेहतर होगा तुम हिंदी ना बोलो, यू हैड बेटर नॉट स्पीक हिंदी। सो फ्रेंड्स, इस तरह हम हैड बेटर का यूज़ करते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। और अब हम यूज़ देखेंगे लेट्स का यूज़। लेट्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सबसे पहले आप उसे समझ लीजिए। देखिए, लेट्स का यूज़ हम करते हैं जब हमें किसी ग्रुप को इंडिकेट करना होता है। जैसे हम दोस्त एक साथ जब बैठे होते हैं और अचानक हम बोलते हैं चलो चले, तो यहाँ जो मेरा बोलना हुआ चलो चले, ये पूरे ग्रुप के लिए होता है। तो लेट्स का यूज़ हम पूरे ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। जब भी एक साथ कोई काम करना हो या एक साथ किसी काम को ना करना हो, तो वहाँ हम लेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे चलो खेलें, चलो गाना गाएं, चलो स्कूल चले, चलो अंताक्षरी खेलें, चलो पिकनिक चले, चलो यह काम करें, चलो यह काम नहीं करें, चलो उसे पीटें, चलो उसे नहीं पीटें। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, लेट्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि लेट्स का यूज़ पूरे ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। अब चलिए समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। लेट्स को हम इस तरह लिखते हैं। ये जो लेट्स बना है, बना किससे है, लेट प्लस अस से बना है। किससे बना है, लेट प्लस अस से बना है। और इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, पहचान क्या होगी सेंटेंस में, आपको देखने को मिलेगा चलो या फिर आओ। क्या देखने को मिलेगा, चलो या फिर आओ। चलो या फिर आओ रूल होगा। सबसे पहले आप लेट्स का ही यूज़ करेंगे और लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट होता है और फिर अदर वर्ड्स होता है। तो ये हमारा रूल है। लेट्स बना किससे है, लेट प्लस अस से बना है। और अस का यूज़ आपको पता है सभी के लिए किया जाता है। एग्जांपल समझिएगा, जैसे चलो स्कूल चले, तो यहाँ सभी के लिए मैसेज जा रहा है, लेट्स गो टू स्कूल। चलो खाना खाएं, लेट्स ईट फूड। चलो बाहर चले, लेट्स गो आउटसाइड। चलो गाना गाएं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। अब दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो लिख लीजिएगा, चलो गाना गाएं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। चलो एक काम करें, लेट्स डू वन थिंग। चलो उसे पीटे, लेट्स बीट हिम। चलो आराम करें, लेट्स टेक अ रेस्ट चलो वहाँ चलें लेट्स गो देयर। तो आप देख रहे हैं कि जब भी चलो या फिर आओ आ रहा है, वहाँ हम लेट्स के यूज़ कर रहे हैं, तो सभी सेंटेंसेस पॉजिटिव हैं। नेगेटिव में आप कैसे यूज़ करोगे, जैसे चलो यहाँ नहीं बैठे, ऐसे बोलते हैं ना, चलो यहाँ नहीं बैठे, तो चलो लेट्स
नॉट, अब नॉट के यूज़ करेंगे, देन सिट हीयर, चलो यहाँ नहीं बैठे, लेट्स नॉट सिट हीयर, चलो रात में बाहर नहीं जाएं, चलो रात में बाहर नहीं जाएं, लेट्स नॉट गो आउटसाइड, लेट्स नॉट गो आउटसाइड एट नाइट, लेट्स नॉट गो आउटसाइड एट नाइट। तो बस आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में चलो या फिर आओ आएगा वहाँ लेट्स का यूज़ करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो लेट्स के बाद नॉट का यूज़ करेंगे और सेंटेंस आपके सामने हैं, लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, चलो स्कूल चले, लेट्स गो टू स्कूल, चलो खाना खाएं, लेट्स ईट फूड, चलो बाहर चले, लेट्स गो आउटसाइड, चलो गाना गाएं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, चलो एक काम करें, लेट्स डू वन थिंग, चलो उसे पीटें, लेट्स बीट हिम, चलो आराम करें, लेट्स टेक अ रेस्ट, चलो वहाँ चलें, लेट्स गो देयर, चलो यहाँ नहीं बैठे, लेट्स नॉट सिट हीयर, चलो रात में बाहर नहीं जाएं, लेट्स नॉट गो, सॉरी यहाँ पास नॉट लगाना है हमें, मैंने ध्यान नहीं दिया है, लेट्स नॉट गो आउटसाइड एट नाइट, यहाँ नॉट लगाना है क्योंकि नहीं आ रहा है, चलो रात में बाहर नहीं जाएं, लेट्स नॉट गो आउटसाइड एट नाइट। सो इस तरह फ्रेंड्स किसका यूज़ करना है, लेट्स का यूज़ करना है, इसे आप नोट कर लीजिए।
चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, अब हम लेट का यूज़ देखेंगे। अभी हमने लेट्स का यूज़ देखा था, अब लेट का यूज़ देखेंगे। सबसे पहले लेट का यूज़ आप समझिए। देखिए, हमने लेट्स का यूज़ किया था ग्रुप के लिए, लेकिन लेट का यूज़ किया जाता है केवल इंडिविजुअल के लिए। जब आपको केवल खुद के लिए बोलना हो या किसी एक व्यक्ति के लिए बोलना हो तो वहाँ फिर लेट का यूज़ करते हैं। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है वो सब देखते हैं। देखिए, जब आप खुद के लिए यूज करेंगे तो इसकी हिंदी निकलेगी ने दो, ने दो। जैसे मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, मुझे लिखने दो, मुझे बोलने दो, मुझे हंसने दो। तब आपको रूल क्या फॉलो करना है, सबसे पहले लेट लेना है और लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब आपने यहाँ चार्ट आप प्रोनाउन पढ़ रखा है तो आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, देन रियल ऑब्जेक्ट होगा और फिर हमारा अदर वर्ड होगा। तो सबसे पहले लेट का यूज़ करना है ने दो के लिए, फिर ऑब्जेक्टिव केस लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ये आप ध्यान देंगे कि वर्ब की हमको फर्स्ट फॉर्म लेना है, देन ऑब्जेक्ट लेना है, अदर वर्ड लेना है। एग्जांपल देखिए, जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। देखिए ने दो आ गया है तो समझ जाइएगा यहाँ लेट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले लेट आएगा और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या दिया है, मुझे। सो लेट मी जाना गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। अब इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे आज बोलने दो, मुझे आज बोलने दो। Let me speak today. उसे आराम करने दो, उसे आराम करने दो, Let him rest. उसे आराम करने दो, Let him rest. मेरे पापा को आने दो, ऐसे बोलते ना, मेरे पापा को आने दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे पापा को आने दो, लेट माई फादर कम। मेरे पापा को आने दो, लेट माई फादर कम। मेरा समय आने दो, मेरा समय आने दो, लेट माई टाइम कम, लेट माई टाइम कम। उसे मरने दो, उसे मरने दो, लेट हिम डाई। उसे मरने दो, लेट हिम डाई। उसे आज यहाँ से जाने दो, यहाँ से जाने दो। लेट हिम गो फ्रॉम हियर टुडे, Let him go from here today. उसे यहाँ से जाने दो, Let him go from here today. आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा, कैमरा नीचे कर देता हूँ। ओके, सो लेट हिम गो फ्रॉम हियर, उसे यहाँ से जाने दो। और कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मुझे अपना काम करने दो, मुझे अपना काम करने दो, Let me do my job, let me do my work, let me do my work. उसे अंग्रेजी बोलने दो,
उसे अंग्रेजी बोलने दो, लेट हिम स्पीक इंग्लिश, लेट हिम स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमें लेट का यूज़ करना है। जब भी सेंटेंस के अंत में आपको ने दो देखने को मिलेगा तो वहाँ लेट का यूज़ करना है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे मुझे जाने दो लेट मी गो, मुझे सोने दो लेट मी स्लीप, मुझे आज बोलने दो लेट मी स्पीक टुडे, उसे आराम करने दो लेट हिम रेस्ट, मेरे पापा को आने दो लेट माई फादर कम, मेरा समय आने दो लेट माई टाइम कम, उसे मरने दो लेट हिम डाई, उसे आज यहाँ से जाने दो लेट हिम गो फ्रॉम हियर टुडे, मुझे अपना काम करने दो लेट मी डू माई वर्क, उसे अंग्रेजी बोलने दो लेट हिम स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, इस तरह हम लेट का यूज़ करते हैं। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आपने इसे नोट कर लिया होगा। और आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में हमने नीड नॉट का यूज़ देखा, जिसकी हिंदी क्या निकली थी, ज़रूरत नहीं है। हैड बेटर को हमने सीखा, जिसकी हिंदी थी अच्छा होगा या फिर बेहतर होगा। नेगेटिव भी इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाए। फिर हमने लेट्स का यूज़ देखा, और अभी हमने किसका यूज़ देखा? लेट का। तो लेट्स का करते थे ग्रुप के लिए, लेकिन लेट का यूज़ करते हैं इंडिविजुअल के लिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी ऑल हैव कम्प्लीटेड 15 आवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हमने 15 आवर्स का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसे पूरा कर लिया है। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने नई नई चीज़ें सीखी होंगी। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश, विश यू ऑल द बेस्ट।